गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द कलरफुल लाइफस्टाइल। एंड टुडे हम दो जगह दिखाने वाले हैं जो हम जा रहे हैं बेथुआ डहोरी में। एक है ये हम आए हैं जहाँ पे एक दुर्गा आश्रम और दो है बेथुआ फॉरेस्ट। तो चलिए दुर्गा आश्रम में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये हम है दुर्गा आश्रम में जो एकदम NH 34 के एकदम बगल में है। वो मेरे पीछे जो दिख रहा है वो हाई रोड है, पूरा एकदम रास्ते में ही है। अब जब जाएंगे NH 34 से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम लॉकडाउन के टाइम आए थे यहाँ पे पहली बार, तो तब ये बन रहा था और अभी बन चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए। खूबसूरत जगह है ये, एकदम पास में एक लेक भी है और बहुत सारा ये यहाँ पे फ्लावर्स है। और ये अभी हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ, मतलब मंदिर जो है। बहुत ठंड है आज, बट बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत, एकदम नेचर के बीच, बहुत खूबसूरत है। दुर्गा रेस्टोरेंट प्योर वेज है, एकदम लेक के साइड में है। अभी हम पहुंच गए हैं बेथुआ डहोरी अभयारण्य में। ये है इसका एंट्रेंस गेट और एंट्रेंस गेट के राइट हैंड साइड में है टिकट काउंटर, तो यहाँ से आपको टिकट लेके फिर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ का गेट 3 बजे तक खुला रहता है, तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो 3 बजे से पहले आपको यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। आई मीन कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, कौन सी बर्ड्स है।
अभी हम जिस साइड जा रहे हैं वहाँ पे डियर हमको देखने को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, तो चलिए देखना पड़ेगा कि डियर है कि नहीं। एक दिख रहा है, यहाँ पे मोर और कुछ बर्ड्स है, पर बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पे नज़दीक जाने नहीं दे रहे हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर, यहाँ पे एक म्यूजियम की तरह बहुत कुछ रखा गया है, तो चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ पे भी 2 रुपीस पर पर्सन एंट्रेंस टिकट है, तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और अंदर बहुत कुछ है, चलिए देखते हैं। Thank you.
इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, एक लाइक और कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।